हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन ट्रेनिंग वीडियो में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल एंड वीवीए माइक्रो प्रोग्राम। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसा एक प्रोग्राम बनाए जिससे हमारा एक्सेल की शीट या फाइल की पासवर्ड को रिमूव किया जाए। ये वीडियो में कई पार्ट में बनाऊंगा, कई सारे पार्ट्स में, क्योंकि धीरे धीरे आपको समझ में आएगी कि इसमें वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग का यूज हुआ हुआ है। और बहुत सारे हमारे व्यूवर हैं जो वीवीए से फैमिलियर नहीं है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसकी सेकेंड पार्ट को मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत वाली पार्ट में हम बात करेंगे एक्सेल शीट के पासवर्ड को कैसे रिमूव करें। जैसे कि आपके सामने शीट में हमने पासवर्ड लगाया और पासवर्ड में मैंने डाल दिया 123, अभी सिंपल डालता 123, देन ओके कर दिया। अब इस पासवर्ड को कैसे रिमूव किया जाए, तो चलिए इसके लिए हम प्रोग्रामिंग लिखते हैं। ध्यान रखिएगा, अभी हम फिलहाल नंबर वाले पासवर्ड को रिमूव करने जा रहे हैं। जी हाँ, नंबर वाले पासवर्ड को। पासवर्ड 10 डिजिट का होता है ना, 10 डिजिट तक का पासवर्ड रिमूव करेंगे। रिमूव ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अब यहां पे हम लूप लगाएंगे कि फोर आई इक्वल टू चले 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 डिजिट तक का हमने दे दिया और फिर नेक्स्ट आर। उसका कंडीशन देंगे यहां पे इफ शीट वन या एक्टिव शीट बाद में चेंज कर देंगे, फिलहाल वन देते हैं, कंटेंट पासवर्ड होगा यहां पे प्रोटेक्ट कंटेंट होता है, राइट, प्रोटेक्ट कंटेंट इक्वल टू ट्रू, पासवर्ड हो तभी चले। क्या करें यहां पे, दे शीट वन डॉट अनप्रोटेक्ट इक्वल टू आई, इक्वल टू आई। अभी इसमें एरर होने के चांसेस है, क्योंकि मान लीजिए वन डाला नहीं पास हुआ तो एरर देगा। तो इसके ऊपर हम सिंपल सा लिखते हैं ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। और यहां पे एक और कंडीशन देते हैं कि इफ, यहां यहां इसको तो हम एंड इफ कर देते हैं, एंड इफ देते हैं इफ ई एरर इक्वल टू जीरो, देन यहां पे मैसेज दे एमएसजी बॉक्स पासवर्ड रिमूव। जो भी है, फिर यहां पे एग्जिट, सब ये जरूरी है, नहीं कीजिएगा तो मैक्रो चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। और फिर यहां पे एंड, और उसके बाद हमने क्या किया, हमने बाद में यहां पे कर दिया एरर इक्वल टू जीरो। अब मैं एक बार अपने माइक्रो को रन करता हूं। अच्छा, 11 12 11 डिजिट से ही चलता है, एक डिजिट बता देता हूं। कितने डिजिट का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। रन करते हैं इसको। ओ ओ, इससे यहां इक्वल नहीं लगेगा।
पासवर्ड हैज रिमूव्ड, और देखिए इसने पासवर्ड को ब्रेक कर दिया, हम इस पे टाइप कर सकते हैं। तो 10 डिजिट का 11 डिजिट तक का कोई भी नंबर वाली पासवर्ड को एमआईको रिमूव कर देगा। हाँ, जितना ज्यादा नंबर होगा उतना ही ज्यादा ये टाइम कंज्यूम करेगा, ये मैं कह देता हूं पहले, उतना ही ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया हुआ है, हमने लूप चलाया कि एक से लेके 11 डिजिट तक के नंबर को लूप को चले, हर बार चेक करें कि क्या है, प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्ट है, तो इसमें नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे नंबर पासवर्ड डालता रहे। अगर पासवर्ड डालने के बाद पासवर्ड डल जाता है तो क्या होगा कि एरर जो है ऑन एरर जूम नेक्स्ट वर्क नहीं करेगा। अगर ये वर्क नहीं करेगा तो एरर पी के आएगा, जीरो आएगा। अगर जीरो आ गया इसके ऊपर तो मैसेज बॉक्स में पासवर्ड रिमूव को शो करो और मैक्रो को यही पे फिनिश कर दो। ऐसा नहीं हुआ मतलब कि पासवर्ड सही नहीं है, एरर को जीरो रिसेट करो और फिर वापस चलो, और ये कंटिन्यूस चलता रहेगा। तो ये तो फेज हमारा वन फेज हुआ नंबर के लिए, अगेन फेज हम करेंगे करेक्टर के लिए, और तीसरी वीडियो बनाएंगे करेक्टर और नंबर दोनों हो तो उसके लिए। तो कैसे करेंगे, चलिए अगली क्लास में अगली वीडियो में आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरे साथ कंप्लीट वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग पढ़ना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाइए और डेमो क्लास का फॉर्म भर दीजिए या फिर मुझे कॉल कीजिए। मैं आपके लिए हमेशा अपना मोबाइल को ऑन करके रखूंगा। और एक बार जान लीजिएगा, हमारे यहाँ सिखाया जाता है स्मार्ट वर्ड, नॉट ए हार्ड वर्ड, क्योंकि हार्ड वर्ड को गधा भी करता है। थैंक यू।